जंग के मैदान से जुड़ी खबर। बेलग्रोद में एयरपोर्ट के पास भीषण धमाका हुआ है। तेज धमाकों की आवाज के साथ धुएं का गुबार भी देखने को मिला है। यूक्रेनी सेना पर एयरपोर्ट को टारगेट करने का शक है। 10 अक्टूबर के अटैक के बाद बेलग्रोद पर हमले अब और तेज कर दिए गए हैं। अक्टूबर को रूस के मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन ने बेलग्रोद पर हमला तेज कर दिया है। यूक्रेन ने बेलग्रोद एयरपोर्ट पर हमला बोला है। तेज आवाज के साथ हुए धमाके के बाद धुएं का गुबार उठता देखा जा सकता है। बेलग्रोद क्षेत्र के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लाडकोव ने कहा कि हमले में 3 लोगों की जान गई है। हालांकि एयरपोर्ट को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस ने बेलग्रोद पर बड़े हमले को नाकाम कर दिया है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन की 10 मिसाइलों को नष्ट कर दिया। 2 मिसाइल एयरपोर्ट के नजदीक गिरी जिससे बड़ा धमाका हुआ। रूस ने जिस तरह यूक्रेन पर हमले में रिहायशी इलाकों और नागरिक सुविधाओं को टारगेट किया उसका जवाब यूक्रेन भी अब। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूस के पावर प्लांट और एयरपोर्ट जैसे स्थानों को निशाना बनाकर दे रहा है। शनिवार को ही बेलग्रोद में एक पावर प्लांट पर यूक्रेन ने बम बरसाए थे। बेलग्रोद यूक्रेन की सीमा पर बसा रूसी शहर है। यूक्रेन ने बेलग्रोद पर हमला तेज कर दिया है। यूक्रेनी सेना के विध्वंसक प्रहार से फिलहाल रूसी सेना बैकफुट पर है। उधर जंग के मैदान से हमले की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आ रही हैं। दोनों तरफ से जोरदार अटैक हो रहे हैं, कभी यूक्रेन तो कभी रूस एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। लुहानस्क और डोनेट्स सहित पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों पर कागजी तौर पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन जमीन पर चल रही जंग कुछ और अलग कहानी बता रही है। जंग की ये लेटेस्ट तस्वीरें उसी लुहानस्क इलाके की हैं जहां रूस ने जनमत संग्रह किया था और दावा किया था कि अब यहां के लोग रूस के साथ हैं। लेकिन यूक्रेन की सेना अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं है और अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए यूक्रेनी सेना पहले से ज्यादा आक्रामक हमले कर रही है। लुहानस्क में यूक्रेन के इस हमले से रूस के कई टैंक तबाह हुए हैं। यूक्रेनी हमले की ये दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ रूसी ठिकानों पर आसमान से बारूद बरसाया जा रहा है, ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, रूस से अपनी जमीन छीनी जा रही है। यूक्रेन रूस के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। क्रीमिया के बाद यूक्रेन पर हुए हमले से ज़ेलेंस्की सदमे में है, लेकिन डोनेट्स से आया वॉर का ये लेटेस्ट वीडियो बता रहा है कि ज़ेलेंस्की पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।